हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है द फूड स्टोरेज में। आज बनाएंगे हम बचे हुए चावल से स्वादिष्ट मोटी रोटी और कच्चे आम की चटपटी चटनी, हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप बचा हुआ चावल, 1.5 कप चावल का आटा, 1 कच्चा आम जिसे मैंने छील कर इसका गूदा निकाल लिया है, अदरक लहसुन, 3 हरी मिर्च, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट नाश्ता। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, इसमें सारा चावल डाल देते हैं, 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब हम इसमें चावल का आटा डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे। याद रहे, अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट गूंथने के बाद चावल और चावल का आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। अब 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो यह गीला हो जाता है। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसकी बड़ी बड़ी 2 लोई बना लेते हैं। हाथों में पानी लगाकर लोई को दबाकर अब इसकी रोटी बनाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, रोटी को ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, नहीं तो यह टूट जाता है। एक रोटी तैयार हो गई है। अब हम गैस की ओर चलते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस जलाकर मैंने एक तवा रखा है। अब हम इसमें रोटी डाल देते हैं। अब इसे कुछ देर ढककर पकाएंगे। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हम कच्चे आम की चटनी बना लेते हैं। अब हम मिक्सी का एक जाल ले लेते हैं। इसमें मिर्च, आम, अदरक, लहसुन, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं आम की चटपटी चटनी रेडी हो गई है। अब हम गैस की ओर चलते हैं। इसे 2-3 मिनट सेकते हुए हो गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। इसी प्रकार इसे अलट पलट कर 10 मिनट के आसपास सेक लेंगे। दस बारह मिनट के बाद रोटी अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसमें घी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें बटर या तेल कुछ भी ले सकते हैं, पर घी डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसे बचे हुए चावल से बनाया जाता है, इसलिए चावल वेस्ट भी नहीं होता। आप इसे आम और मिर्ची के चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वाद आता है। बच्चे इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑल कर प्रेस करें, जिससे मेरे नए रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।